नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो, 2023 MPPNST का सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज बताया जाएगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। सो स्टार्ट करते, अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा 2023 का, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 150 अंक के होंगे और 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से, मतलब दोनों ही लैंग्वेज का होगा। नेक्स्ट कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी जूलॉजी मिलाकर क्या बनता है, बायो बनता है। 1 सब्जेक्ट बायो हो गया। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, स्पेशल इंग्लिश नहीं पूछी जाती, जनरल इंग्लिश फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में बॉटनी और जूलॉजी। टोटल कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं। 5 सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके और 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी मार्क्स 150 होगा। नेक्स्ट सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज सिलेबस क्या आएगा 2023 में। ओके, तो बॉटनी का फर्स्ट देख लेते हैं। बॉटनी में सबसे फर्स्ट है मानव विकास, नेक्स्ट है जैविक विकास के सिद्धांत, नेक्स्ट है वन्य संरक्षण, नेक्स्ट है कैंसर के प्रकार, फिर नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति, नेक्स्ट है जैविक विकास के सिद्धांत, नेक्स्ट है मादक पदार्थों की लत, नेक्स्ट है आर्थिक जूलॉजी और उसके बाद है द्विपद एवं त्रिपद नामकरण पद्धति। ये आपको देखना है बॉटनी से। ओके, नेक्स्ट जूलॉजी सब्जेक्ट से बहुकोशिकीयता, पशु जीवन की संरचना और कार्य देखना है। नेक्स्ट है विकासात्मक जीव विज्ञान और अनुवांशिकी, जलवायु परिवर्तन, नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, संक्षिप्त विचार और म्यूटेशन, जिन एम म्यूटेशन और टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, इकोनॉमी जूलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी देखना है। नेक्स्ट देखना है मनुष्य के संबंध में प्रोटोजोन रोग। ओके, नेक्स्ट होता है मनुष्य के संबंध में कीटवाहक, मतलब इसमें देख लेना है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जितने भी डिसीज होती है वो सब चीज, धूम्रपान शराब और नशीले दवाओं के सेवन के लक्षण और नियंत्रण। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा किसमें, जूलॉजी में। ओके, नेक्स्ट होगा फिजिक्स, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक है तो यह देख लेते हैं, विद्युत प्रवाह, बिजली, प्रकाश की तरंग प्रकृति, भूतल ऊर्जा, प्रकाश का वेग, बिट्स एंड डॉपलर प्रभाव देखना है, मनुष्य की आँखें, आँख जर्मिनल लेयर्स और स्तनधारियों में पूर्ण झिल्ली संरक्षण के कार्य देखना है आपको, आयाम विश्लेषण, इकाई और आयाम, इकाई गति ऊर्जा और संरक्षण, स्थैतिक और गतिज घर्षण, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देखिए, हुक के नियम और परमाणु का बोर मॉडल, ये फिजिक्स के पूछे जाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है जनरल एवं फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो अलग अलग देखेंगे। ये केमिस्ट्री में कौन कौन से है, तो ठोस के गुण, एक परमाणु की संरचना, रासायनिक संबंध और परमाणु, रासायन विज्ञान, आयन इलेक्ट्रॉन, अर्हेनियस समीकरण, फैराडे के नियम, रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा, रेडियो कार्बन, ये देखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उष्मा रसायन देखना है, क्रिस्टल
लेटेस्ट देखना है प्रतिक्रिया की दर, रासायनिक गति गति की और वोल्टाइक सेल, ये केमिस्ट्री में देखना है। और केमिस्ट्री के जो तीन पार्ट है, जनरल फिजिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें परमाणु की संरचना आ जाएगी, रासायनिक संबंध, समाधान, ठोस अवस्था, तीन अवस्था होती हैं, ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था, तो ये सब देख लेनी है। परमाणु रसायन विज्ञान, रेडियो सक्रिय विकिरण और रासायनिक संतुलन, विलयन, विलयनों में आयनिक संतुलन, विलयता, गुणनफल, सामान्य आयन प्रभाव, लवणों के अम्ल और क्षार अपघटन के सिद्धांत देखना है। और थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनोमिक्स ये देखना है। रासायनिक काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखना है। सरफेस केमिस्ट्री और कोलाइड्स एंड नेक्स्ट देखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, धातुकर्म संचालन के सिद्धांत देखना है, रासायनिक आवधिकता देखना है, गुणों का सॉरी तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन, संक्रमण धातुओं, ये इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से रीड करनी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। समन्वय यौगिक रासायनिक विश्लेषण, ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको क्या क्या पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक के अनुभाज्य और अनुविक गुण क्या है, सूत्रों का, सूत्रों की गणना ये देखनी है। एल्काइन, एल्काइंस, बेंजीन, पेट्रोलियम, कैकिंग, ऑस्टेन नंबर और गैसोलीन, ये देखना है आपको सब एल्काइंस वगैरह के बारे में। ओके, और इनके गुण सूत्र, गुण हर चीज़ को देखना है, नामकरण क्या क्या है, तैयारी के तरीके देखना है, पॉलीमर देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पॉलीमर से, तो अच्छे से रीड कर लीजिए। जैविक अणुओं के बारे में देखना है, विटामिन, हार्मोन्स और एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये देखना है रोजमर्रा मतलब डेली यूज़ में रसायन, रसायन का क्या क्या यूज़ होता है ये देखना है। रोजमर्रा की ज़िंदगी में रसायन की मतलब रसायन का क्या क्या यूज़ करते हैं, पर्यावरण रसायन देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश, जो अगला सब्जेक्ट है ये इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनोनिम्स और सफिक्स, प्रफिक्स और इंग्लिश ग्रामर आती है भाई, इंग्लिश ग्रामर तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, एडवर्ब, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, नरेशन, मॉडल्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये 150 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये जो पांच सब्जेक्ट थे इनसे पूछे जाते हैं, 150 नंबर के नंबर्स के लिए आता है। 2 घंटे का टाइम है आपके पास और ये जो सब्जेक्ट बताए हैं टॉपिक वाइज ये अच्छे से रीड कर लीजिए। और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो 75 से ऊपर नंबर चाहिए होंगे, प्रिपरेशन ऐसी कीजिए कि 75 से ऊपर ही नंबर आए। नेक्स्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आपकी कोई भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स कीजिए, रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। थैंक यू गाइस।